सुहेगा ही स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसके डी के में एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा नजर आए सुजलोन एनर्जी तो सुजलोन एनर्जी का जो क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल वैल्यू करोड़ में दे रखी है अगर बात करें क्वार्टर एंडेड और जो ना हाफ ईयर इंडेड आपको देखने को मिल रही है इनकम की बात करें यहाँ पर आप देखोगे टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू आप जिसको बोल सकते हो तो अब बार जो हमें होते हुए नजर आया हुआ है चौदह करोड़ का जी हाँ चौदह करोड़ का जबकि में आप देखोगे तिरासी करोड़ का रिवेन्यू था तो quarter से अब की बार आप देखोगे रिवेन्यू में जंप है वहीं अगर बात करें हाफ ईयर की तो वहां पर भी आपको जो अभी नीवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है अगर बात करें इसके करेंस को लेकर यानी टोटल खर्चे तो यहां पर आप देखोगे की बार जो टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर में चौदह सौ सत्ताईस करोड़ का जबकि प्रीवियस क्वार्टर की हम बात करें तो वहां पर आप देखोगे लगभग तेरह सौ छिहत्तर करोड़ का हमें जो ना एक्सपेंस देखने को मिला तो प्रीवियस क्वार्टर से अब अबके बार आप देखोगे एक्सपेंसिज में जम्प है बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस से ज्यादा है इसका मतलब कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है चलिए देखते कितना प्रॉफिट हुआ वो भी हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ तो यहां पर आप देखोगे भाई अब की बार जो प्रॉफिट हमें होते हुए नजर आया हुआ है छप्पन करोड़ का जबकि प्रीवियस क्वार्टर में चौबीस सौ बत्तीस करोड़ का प्रॉफिट था तो प्रीवियस क्वार्टर से अब अबके बार आप देखोगे हमें जो ना प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिले तो प्रीवियस क्वार्टर में इतना ज्यादा प्रॉफिट हमें क्यों होते हुए नजर आया क्योंकि अदर इनकम से हमें जो ना ये प्रॉफिट जनरेट होते हुए नजर आए हैं न कि कोई सेल्स और जो ना इसके एक्सपेंसिस में कुछ उतार चढ़ाव के कारण और वहीं आप देखोगे हाफ ईयर की बात करें तो हाफ ईयर में आप देखो भाई हमें जो ना प्रॉफिट में अच्छी खासी इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है जबकि प्रीवियस ईयर के हाफ में आपको जो है ये लॉस में दिखाई दिया था अब के बाद चौबीस सौ इक्यानवे करोड़ का प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखोगे प्रॉफिट में गिरावट आई है उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है आखिरकार क्या है रीजन ठीक है अगर बात करें यहां पर आप देखोगे भाई नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो फॉर द पीरियड छप्पन करोड़ का प्रीवियस में चौबीस करोड़ का अगर बात करें ईपीएस की तो यहाँ पर आप देखोगे छः पैसे ईपीएस जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आपको माइनस के चार पैसे ईपीएस देखने को मिल रहा था क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में आपने देखा हुआ जो प्रॉफिट हुआ था ना वो अदर इनकम से हुआ था इसी वजह से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए तो यहां से स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में तेजी बनने के जो चांसेस वो बढ़ रहे हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो